इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि आवयव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आवयव के प्रकार में जो प्रथम है वो है पंक्ति आवयव, यानी वह आवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आवयव कहते हैं, जैसे 1 × n। तो यहाँ पर जो 1 है वो m को दर्शाता है और n जो है, यानी कि 1 जो है वो पंक्ति को दर्शाता है और n जो है वो स्तंभ को दर्शाता है। तो यानी कि पंक्ति की जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और स्तंभ में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि स्तंभ का जो n है वहां पर मान कोई भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति की जगह जो 1 है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए यह एक पंक्ति आवयव है। और पंक्ति आवयव में सिर्फ कंडीशन ये है कि इसमें केवल एक ही पंक्ति होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। इसी प्रकार स्तंभ आवयव, तो वह आवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है उसे स्तंभ आवयव कहते हैं। इसके अलावा जो है वो है शून्य आवयव, ऐसा आवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो इसे हम शून्य आवयव कहते हैं, और इसे बड़े आकार का जो शून्य होता है उसे दर्शाते हैं। और शून्य आवयव के अंदर इसका जो आकार है यानी कि इसकी जो कोटि है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एक वर्ग ही हो या फिर कोई एक फिक्स वैल्यू हो। 1 × 1 भी हो सकती है, 2 × 2 भी हो सकती है, 3 × 3 भी हो सकती है, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार वर्ग आवयव, वर्ग आवयव वह आवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। इसके पश्चात हमारे पास आता है विकर्ण आवयव। विकर्ण आवयव में मुख्य अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य अवयव का मतलब है कि जो विकर्ण है उस विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं शेष सभी अवयव शून्य हो विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव मुख्य अवयव जो है इसमें वो m और n बराबर है, यानी कि जो डायगोनल है आपके पास 1 1 2 2 वो इसका मुख्य अवयव होता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि aij का मान 0 होगा यदि i और j जो है आपस में बराबर नहीं होंगे। अब i और j का बराबर नहीं है a12 पर और a21 पर, इन दोनों जगह जो है i और j का मान अलग अलग है, अतः यहाँ पर जो है वो 0 होगा, बाकी जो मुख्य विकर्ण है उसमें मान अलग होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो है अदिश आवयव। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो हैं इसमें समान होते हैं, यानी कि जब i और j का मान बराबर नहीं होगा तब शून्य लिखेंगे, और जब i और j का मान बराबर होगा तो k लिखेंगे। k यहाँ पर एक नियतांक को दर्शाता है, इसमें कंडीशन एक ही है, शर्त एक ही है कि k का मान 0 नहीं होता है। इसी प्रकार इकाई आवयव, इकाई आवयव को हम i के द्वारा भी दर्शाते हैं और इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अथवा एक होते हैं, इसे हम i द्वारा दर्शाते हैं। और 0 होगा जब i और j का मान बराबर नहीं होगा, और जब 1 होगा जब i और j का मान आपस में बराबर होगा। इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि ये एक वर्ग आवयव होता है। इसी प्रकार त्रिभुजाकार आवयव होते हैं जिनमें दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार आवयव के अंदर हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि aij का मान 0 होगा जब i की वैल्यू बड़ी होगी j से।